नमस्कार, मैं राजेश शाह आपके सामने चाइना की बॉयकॉट की बात करने आया हूँ। दर्शक मित्रों, जब से गलवान वर्ल्ड बॉर्डर पे चाइना के साथ भारतीय आर्मी की जो फाइट हुई, तब से बिजनेसमैन चाइना के साथ अपने जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर रहे हैं। आपको पता है, ताजेतर में सचिन की एक कंपनी थी कालिका इंटरनेशनल, उसने भी चाइना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और अभी सूरत की एक फैब्रिक्स कंपनी है आलिया फैब्रिक्स, उन्होंने भी अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी के साथ कैंसिल कर दिया है। उनको करोड़ों रुपये का लॉस हुआ है, फिर भी उन्होंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो अब लोग धीरे धीरे चाइना के साथ अपना रिश्ता दूर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है आलिया फैब्रिक्स के डायरेक्टर मिस्टर रजत दावर, तो उनके पास हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आलिया फैब्रिक्स और उन्होंने कैंसिल क्यों किया और उनका फीलिंग्स क्या है, वो सब बात उनके पास हम जानेंगे। तो रजत जी, आपका स्वागत है। हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने चाइना के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया, तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आलिया फैब्रिक्स काम क्या कर रही है। जी, आलिया फैब्रिक्स हमारी यूनिवर्सल टेक्सटाइल मार्केट रिंग रोड पे हमारी दुकान है। 5 साल हो गए हैं इस दुकान को और हम इसमें हाई एंड फैब्रिक्स को इम्पोर्ट करते हैं। अब तक हम ये फैब्रिक्स चाइना से इम्पोर्ट कर रहे थे और ये हमारे जो फैब्रिक्स हैं वो हाई एंड फैशन वेयर में यूज़ होते हैं। तो जितने भी आप बॉलीवुड के स्टार्स को देखते हैं अवार्ड फंक्शंस में जो वो पहनते हैं, या बॉलीवुड के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, वो ये फैब्रिक्स को इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में जो बुटीक कल्चर में जो फैब्रिक पहना जाता है उसके मेन फैब्रिक सोर्सर हम हैं। और ये जो फैब्रिक्स हैं ये इंडिया में नहीं बन सकते, क्योंकि जो इनकी फिनिशिंग है या इस पे जो कारीगरी की हुई होती है वो यहाँ पे बनने की सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना नहीं है कि वो यहाँ बन पाए। मिस्टर रजत, मुझे ये पूछना था कि आप जो इम्पोर्ट चाइना से कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल होता है या फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। अच्छा। जिसको यहाँ पे जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे जितने भी यहाँ पे ग्राहक होते हैं वो ये लेके उनकी पोशाक बनाते हैं, उनकी ड्रेसेस बनाते हैं, उनको टेलर्ड करते हैं, स्टिचिंग करते हैं और वो डायरेक्टली पहन सकते हैं। वो एक ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। ओके, तो हम आगे की बात आलिया फैब्रिक्स के डायरेक्टर मिस्टर पुरुषोत्तम झुनझुनवाला से करेंगे कि उन्होंने ये क्यों कैंसिल किया। मिस्टर पुरुषोत्तम झुनझुनवाला, आपका स्वागत है। हमने सुना कि आपकी कंपनी ने चाइना के साथ अपना जो पुराना नाता है वो तोड़ दिया है, यानी आपने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया है। तो हमें ये पूछना है कि आपने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब से ये कोरोना आया है चाइना के ऊपर उंगलियां तो उठती रही हैं। उसके बाद जब ये लद्दाख वाला केस हुआ, लद्दाख में जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए, तो रहा नहीं गया कि हमारे लिए, हमने ये सोचा कि राष्ट्र सबसे पहले है। फिर हमने अपना एक जो ये करार था, जो 5 साल से हम चाइना की कंपनी से काम कर रहे थे, हमने उसको रद्द कर दिया। मिस्टर पुरुषोत्तम झुनझुनवाला, ये आपने कितना करोड़ का आपने कैंसिल किया, आपका कितना बिजनेस होता था वो कंपनी के साथ? सालाना हम लोग 50 करोड़ का टर्नओवर चाइना से करते थे। ये सारे जो है ये सारे हाई एंड फैब्रिक हैं। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में नहीं है, तो ये हम वहाँ से 50 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर करते थे। अभी 2 करोड़ रुपए का हमने करार रद्द किया है, 2 करोड़ रुपए की फैब्रिक का करार रद्द किया है और 2 करोड़ रुपए की मशीन का करार रद्द किया है। मिस्टर झुनझुनवाला, जो आपने करार रद्द कर दिया तो उससे आपको क्या फ़ायदा या आपको क्या नुकसान हुआ? देखिए, एक सेट व्यापार डिस्टर्ब करने का नुकसान तो होता है। मैं फिर अपनी उसी बात पे आता हूँ कि ये व्यापार हमारा 5 साल पुराना है। हम लगातार चाइना से फैब्रिक मंगाते आ रहे हैं और इसका विकल्प ढूंढना उतना आसान नहीं था। हमारे व्यापारियों को ये क्वालिटी चाहिए थी लेकिन इसका विकल्प ढूंढना आसान नहीं था। हमने पहले इसका विकल्प ढूंढा, हम कोरिया की ओर गए, ताइवान की ओर गए, जो कि थोड़ा महंगा था। हम अपने व्यापारियों को समझा रहे हैं कि ठीक है,
महंगा है लेकिन क्वालिटी भी उसकी चाइना से और अच्छी है, तो थोड़ा ये डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान है, तो देश के लिए अगर ये 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 नुकसान सहना पड़ता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर आपका सेंटीमेंट है वो सही है, आपने राष्ट्र प्रेम के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि 1, 2, 3 या 10 व्यापारी का चीन से कॉन्ट्रैक्ट करने से हम चीन को हरा सकेंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, शुरुआत कहीं एक से होती है, एक इंजन बनता है, डब्बे पीछे पीछे जुड़ जाते हैं, तो मुझे अपने देशवासियों पे पूरा भरोसा है, उनकी राष्ट्र प्रेम पे भरोसा है कि धीरे धीरे सारे लोग जुड़ेंगे, और पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम उस चीज़ को यहाँ कैसे क्रिएट कर सकें, जो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, हम यहाँ पे उसको कैसे बना सकें, उस पे वर्किंग करेंगे, और धीरे धीरे मुझे आशा है कि सारे लोग जुड़ेंगे और चाइना के साथ व्यापार बहुत कम हो जाएगा। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना कि जो कंपनी थे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, उन्होंने जो सारी बातें बताई, तो हमको ऐसा लगता है कि चाइना का बॉयकॉट पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन पहले इतनी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिली थी जो अब मिल रही है, अब लोग आगे आ रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक ने भी बताया था कि हम पब्लिक धीरे धीरे जो प्रोडक्ट बंद कर दे तो अभी चाइना को हम हरा सकते हैं, तो ये चाइना को मात करने का एक जो एक मुहिम शुरू हुआ है, तो अगर ये लंबा चलेगा तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो मुश्किल हम चाइना के लिए पैदा कर सकते हैं। मिस्टर पुरुषोत्तम झुनझुनवाला, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बात की, धन्यवाद।